नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक रिडोर्ड हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पोको एफ वन के जो है 30 से प्लस आपको मैं फीचर्स बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर जो आप पोको एफ वन को यूज करते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा यार, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। भले ही ये आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन अब जब आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप जो है ना पोको एफ वन की जो छुपी हुई जो ट्रिक है वो सब वगैरह आप आसानी से जान सकते हो। तो यार इस वीडियो को यार पहले लाइक कर देना, क्योंकि यार ये वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगी जाएगी, तो लाइक कर देना यार, ताकि और जो व्यूवर्स देखेंगे उनको भी जो है सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया। तो यार लाइक मार दो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो यार सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं, जो आपके पोको फोन में जो मान लीजिए यहाँ पे जैसे रिसेंट टाइम में जब आप जाते हो, जैसे ये हमारा रिसेंट टाइम है, तो यहाँ पे मैं रेम स्टेटस शो नहीं करता है। तो यहाँ पे रेम स्टेटस को शो करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, मोर पे जाना पड़ेगा, नीचे स्क्रॉल करें, शो मेमोरी स्टेटस, इसे आपको ऑन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप रिसेंट टाइम में जाओगे आपका रैम जो है दिखने लगेगा, तो यहाँ पर जो काफ़ी मस्त लगता है दिखने के बाद। अब यहाँ पे हम दूसरे सेटिंग की बात कर लेते हैं, जैसे जब आप पोको एफ वन के लॉन्चर में जब आप स्क्रॉल अप करते हो इस तरह से, तो अगर जो आपके फ़ोन में ये ड्रावर, ये कलर वाला ड्रावर नहीं आ रहा है इस तरह का, और अगर जो आप यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफी, ये सब जो इस तरह से आपको मिलता है, अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हो और ये जो था इसे लाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सेटिंग है कॉर्नर में उस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले अगर आप वो कलर वाला चाहते हो लाना, तो कलर को इसे ऑन करना पड़ेगा, तो आपका कलर दिखेगा। उसके बाद वो जो कैटेगरी वाइज था, जो ये जो कैटेगरी वाइज है, अगर आप इसे रिमूव खत्म करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके, ये देखो भाई मैनेज ऐप ग्रुप है, यहाँ पे जाइए, जिसे आप खत्म करना चाहते हो उसे यहाँ पे हाइड कर देनी है, तो इस तरह से आप जो हाइड कर सकते हो। तो उसके बाद जो आपका ये इस तरह से देख सकते हैं लगभग खत्म हो चुका है जो था, तो इस तरह से इसे आप रिमूव कर सकते हो। तब यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, जैसे ये आइकन पैक जो आप देख रहे हो, इस तरह से आपको आइकन मिलता है। अगर जो आप आइकन को चेंज करना चाहते हो, आइकन स्टाइल को, तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग में जाना है, इसमें मोड में जाना है आपको, और यहाँ पे देखो भाई आइकन पैक है, आइकन पैक में जाइए और यहाँ पे प्लस करके आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने पिक्सल एक आइकन पैक मैंने डाउनलोड किया था, तो यहाँ देखते हैं राउंडिंग स्टाइल में बन चुका है, तो यहाँ पे इसे अप्लाई कर देनी है। और यार फिर देखो ये राउंडिंग स्टाइल में पूरा स्टोक एंड राइज जैसा फील आपको आएगा, और काफ़ी यहाँ पे मस्त लगता है यार। इसके लिए लाइक कर दो इस वीडियो को यार, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर भी काफ़ी ये मस्त लगने लगता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये आप देखोगे तो जैसे देखिए एफ डी यू ई आर इस तरह से आपको मिलता है, जो कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल, उस तरह से आपको नहीं मिलता है देखने को। तो अगर आप इसे चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेट के रूप में हो, तो आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये स्क्रॉल बार मिलता है, यहाँ पे जाइए ए टू जेड कर दीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो ए टू जेड आपको शो करेगा, तो अगर आप चाहते हो तो सावधानी आपको होगी, इस तरह से इसे ऑन करके रख सकते हैं। तो अब जो है ना दूसरे फीचर की ओर चलते हैं। जैसे आपको अगर आपने दूसरा फ़ोन यूज किया होगा कभी एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें आपको ये फीचर आपको देखने के लिए नहीं मिलता होगा फ़ोन में। जैसे अगर आप किसी ऐप को हाइड करना चाहते हैं तो ये फीचर नहीं मिलता है, ज़्यादातर फ़ोन में नहीं मिलता है। तो इस फ़ोन में जो है ना पोको एफ1 में दिया गया है इस फीचर को। तो जैसे यहाँ पे लॉन्चर में आपको जाना है, और इस तरह से आप जब दो बार करते हो लगातार इस तरह जैसे मैंने किया, तो आपको ये हाइड करने का जाएगा। पहले तो आपको अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा, मैंने पासवर्ड बना लिया था ये वाला, तो ये देख सकते हैं इस तरह से आपको आ जाएगा पासवर्ड बनाने के बाद। उसके बाद हाइड ऐप आइकन क्लिक करना है, मुझे ये वाला ऐप हाइड करना है, मैंने जस्ट क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डन कर देनी है। और यार ये देखो ये दोनों ऐप यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे खोजोगे तो वो ऐप नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐप हाइड हो चुका है। तो यहाँ से जो आप ऐप को हाइड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे यार दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। इधर जब आप स्लाइड करते हो, सॉरी, ये कार्ड्स आपको मिलता है, तो कार्ड्स में अगर आप यहाँ पे अदर पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन भी ऐड करके रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब को मैं रखना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब आ चुका है। तो अपना फेवरेट एप्लीकेशन जो है यहाँ पे डाल के रख सकते हो। उसके बाद जैसे आपको कोई ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे स्क्रॉल करो यार, क्लिक कर दो, तो काफ़ी ईजी ट्रिक है। यहाँ से एप्लीकेशन जो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और इस तरह से आपका अगर लंबा रहता है, अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हो, कैलेंडर, इवेंट, नोट, ब्रीफ, तो यहाँ पे देखो भाई ये छोटा हो चुका है,
तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं जो कि डिस्प्ले का स्पेशल ट्रिक है। तो डिस्प्ले में चलते हैं, सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यार डिस्प्ले में जाना है आपको, और यहाँ पे देखो यार डबल टेप टू वेकअप। जैसे मेरा फोन अभी लॉक है और मैं इसे अनलॉक करना चाहता हूँ, तो मुझे इसको क्लिक करना पड़ेगा पावर बटन को, लेकिन यार अब ऐसा नहीं है, यहाँ आपको दो बार क्लिक करना है। ओ सॉरी, अभी मैंने बंद किया था, तो मुझे यहीं से करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप इसे ऑन रखते हो तो बस यहाँ पे आप इस पर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। और या फिर उसके बाद फेस अनलॉक रहेगा तो फ़ोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और एक नया ट्रिक, रेज टू वेकअप। इसे अगर आप ऑन करते हो, फ़ोन आपका रखा हुआ है, जैसे ही आप अपने फ़ोन को इस तरह से पकड़ोगे, उठाओगे, आपका फ़ोन डायरेक्टली अनलॉक, इस तरह से लाइट आ जाएगा। तो बस यार फेस लॉक है तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, नहीं है तो अपना पासवर्ड डालो। तो यहाँ पे बटन, ये नया सेंसर ट्रिक है, ये काफ़ी मुझे मस्त लगा, इम्प्रेसिव लगा। फ़ोन रखा हुआ है, बटन क्लिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्लिक करो फ़ोन अनलॉक हो गया। और यार यहाँ पे देखो कलर कॉन्ट्रास्ट एंड कलर है। तो अगर आप रात में मोबाइल ज़्यादा चलाते हो तो यहाँ पे इस पे जाना है, वार्म और ये कलर वगैरह मिल जाता है। तो जिस कलर में आप चाहते हो अपने फ़ोन को रखना रात में, जो कंफर्टेबल आपको फील होता है वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कूल ही रखने वाला हूँ, मैंने कूल रख दिया जैसा पहले था। वैसे अगर आप रात को यूज करोगे तो कलर चेंज कर सकते हो। इस ट्रिक को जो भी इस ट्रिक को भी अगर जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, जो कि है यहाँ पे जो कि अगला ट्रिक है यहाँ पे लॉक में। तो यहाँ पे यार देखो ये लॉक स्क्रीन है, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिलता है फेस डाटा। अगर आप फेस अनलॉक आपने अभी तक नहीं लगाया है तो इस पर क्लिक करना है और अपना फेस अनलॉक डाल देना है, अपना फेस यहाँ पे, जैसे डिलीट फेस डाटा कर रहा है, यहाँ डालने के लिए अगर आप सेट नहीं किए हुए रहेंगे तो यहाँ पे ये कहेगा ऐड फेस डाटा, आप ऐड कर सकते हैं, मैंने सेट किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, ये स्लीप जो मिलता है अगर आपका फोन तुरंत लॉक हो जाता है। अगर आप चाहते हैं 2 मिनट तक फोन रखा रहे लॉक ना हो, तो आप जो यहाँ पे 2 मिनट 5 मिनट जितना हो सके बढ़ा सकते हैं। दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं, वो है लॉन्च कैमरा। इसको जैसे आप ऑन करते हो तो इसे क्लिक करने के बाद जब 2 बार वॉल्यूम डाउन को क्लिक करोगे तो आपका कैमरा बंद चालू हो जाएगा। जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ 2 बार, तो ये देख सकते हैं एक कैमरा ओपन हो चुका है। तो अगर फास्ट में अगर आप यूज करना चाहते हो कैमरे को, कहीं घूमने वगैरह जाते हो, तो इसे ऑन करके रखना भाई, काफ़ी हेल्प कर देगा ये आपकी इमरजेंसी कैमरा को ओपन करने में। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, ये है एडवांस सेटिंग। यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए लॉक ऑनर इन्फो, यहाँ पे अपना नंबर वगैरह डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम ही डाल देता हूँ, मैंने अपना नाम डाल दिया, ओके मैंने कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा नाम है यहाँ पे। इस तरह से अगर आप अपना नंबर डालना चाहते हो तो नंबर डाल सकते हो। तो मतलब अगर आपका फोन कभी खो जाता है वगैरह तो शायद हो सकता है अच्छे दिल वाला होगा तो आपको कॉल भी कर देगा। बस ये ट्रिक भी आप जान लो, हेल्प करेगा आपके लिए। और यहाँ पे देखो यार, अगर आप ये फ्लिप वाला कवर वगैरह रखते हो तो ये अगर आप ऑन करके रखते हो तो ये भी काफ़ी आपको मदद करेगा। फोन जैसे ऐसे करोगे लॉक आपका हो जाएगा, आपको लॉक दबाने की जरूरत नहीं है। और ये पॉकेट मोड, अगर आप इसे ऑन करके रखते हो, जब अपने फोन को जेब में रखोगे तो फोन जो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, वो डिटेक्ट करके इसका सेंसर जो है डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे दूसरे ट्रिक की ओर चलते हैं, बैक आना है आपको। और ये देखिए होम एंड रिसेंट जो है इसमें आपको जाना है, सॉरी यहाँ पे नहीं यार, ये फुल जो स्क्रीन डिस्प्ले है यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए नॉच आपको दिख रहा है, तो अगर आपको ये नॉच पसंद नहीं आता है तो ये हाइड नॉच कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक हो चुका है, तो ये देख सकते हैं ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ऐसे अगर आप कहीं भी जाओगे ये ब्लैक ही रहेगा। अगर आप वही आपको पसंद आता है नॉच तो वैसे ही कर दो यार। और यहाँ पे माइंड मिरर बटन, ये देख सकते हैं मैं बटन इस तरह से रखना पसंद करता हूँ। अगर आपका बटन इस तरह से है तो इसे आपको बंद कर देनी है मिरर, उसके बाद आपका बैक बटन इधर आ जाएगा। फुल स्क्रीन मोड, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो आईफोन जेस्चर दिया गया है, जैसे इसको आप ऑन करते हो तो ये फुल स्क्रीन जेस्चर के बाद ये आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है आप जो है कहीं भी जाओगे तो बैक जाने के लिए ऊपर स्लाइड करना पड़ेगा, इस तरह से आपको मिलता है फीचर। तो ये आईफोन का फीचर मिल जाता है, रिसेंट ऐप ओपन करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो आईफोन एक्स का जेस्चर जो है आप मजा ले सकते हो अपने फ़ोन में, मतलब अपने इस पोको F1 में। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, वो है यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे यार आप देखोगे क्विक बॉल है। क्विक बॉल जैसे ही ऑन करते हो आपको एक नया, ये देखो एक नया ये डैश मिलेगा आपको। तो इसका फ़ायदा क्या है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप जो है होम में चल जाओगे। तो ये मतलब एक छोटा सा ट्रिक है, ये भी आपको शायद काम कर दे। शायद आपका लंबा हाथ नहीं है, ऊपर तक नहीं जाता है, तो इस तरह से जो है लॉक स्क्रीनशॉट वगैरह
आपको ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ से भी ले सकते हो। और ये देखो बटन है जेस्चर, यार यहाँ पे जैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस दबाए रखोगे तो आपका जो है कैमरा खुल जाएगा या फिर फोन लॉक हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सेटअप कर सकते हो जैसे कि टॉर्च ऑन, टॉर्च चालू हो जाएगा जब आप पावर और होम बटन को क्लिक करोगे। तो इस तरह से कुछ सेटअप है, अपने बटन को जो है कस्टमाइज कर सकते हो। ये बटन बस बैक आने जाने के लिए नहीं, और भी काम में आ सकता है अगर आप इस ट्रिक को यूज करोगे तब। जैसे मैं अगर सोचूं कि यहाँ इसको क्लिक करके मैं टॉर्च चालू कर दूँ, तो मैं यहाँ से चालू कर सकता हूँ टॉर्च को। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, वो है यहाँ पे वन हैंड मोड। यहाँ पे यार आप जाने के बाद अगर आप चाहते हो स्क्रीन को छोटा करना, तो यहाँ से इसको आप क्लिक कर सकते हो। पहले ऑन करने के बाद अगर आप छोटा चाहते हो करना, तो ये देख सकते हैं ये छोटा स्क्रीन हो चुका है। और अगर आप फिर से बड़ा करना चाहते हो तो आपको साइड में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद बड़ा हो जाएगा। तो अपनी स्क्रीन को जो आप छोटा बड़ा कर सकते हो जिस तरह से आप चाहो, जैसे देख सकते हैं ये छोटा हो चुका है। तो वन हैंड मोड यूजेज के लिए काफी अच्छा रहेगा ये ट्रिक। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं, तो वो है भाई एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है गेमिंग स्पीड बूस्टर। तो इसे जब आप ऑन कर देते हो गेमिंग स्पीड बूस्टर को, तो अगर आप ज़्यादा पबजी वगैरह कुछ गेम अगर खेलोगे तो काफ़ी यहाँ पे मस्त आपको फील होगा, यूज करने में फ़ोन को अच्छा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा और भी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो अब जो है हमारी यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग की बात करें या फिर ये नेक्स्ट ट्रिक की बात करें, तो वो है बैटरी में। बैटरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग, बैटरी में जाने के बाद सेंस मोड रहता है, सेंस मोड में जाइए, इसे ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डोंट लाइट अप स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, ऐसे वगैरह वगैरह इसको मैं पढ़ते रह जाऊंगा। मैं आपको बता दूं, फोन अगर आपका बंद है, यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो है बैकग्राउंड में रन करते रहेगा वो बंद हो जाएगा अगर आप इस ट्रिक को ऑन करके रखते हैं। तो ऐसे अगर आप मिस कॉल आया और आपने फोन को जेब में रखा हुआ है, लाइट अगर जो ब्लिंक हो रही है, बैटरी तो उससे खत्म होता है, उसे भी खत्म होता है, तो अगर आप इसे ऑन करके रखोगे तो ये आपका लाइट नहीं जलेगा। और बहुत सारी ऐसी फीचर होती है जो कि बंद कर देती है ये फोन, स्मार्ट सेंस, तभी तो इसका नाम है। तो बस यार मुझे उम्मीद समझ गए होगे इसे कि आपका बैटरी जो बहुत ज्यादा सेव होगा। यहाँ से बैक चलते हैं, बैक आने के बाद फिर से बैक आना है आपको, नीचे स्क्रॉल करना है डुअल ऐप। अगर जो आप दो व्हाट्सएप चाहते हो यूज करना, तो डुअल व्हाट्सएप में जाके इसको अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपका दो व्हाट्सएप जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये डुअल व्हाट्सएप जो है क्रिएट हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसे बंद करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया डुअल व्हाट्सएप और फिर से मैं बैक आ गया। तो यार यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, ऐप लॉक। तो यार ये एमआई का मस्त फीचर है कि ये ऐप लॉक देता है आपके फ़ोन में ही। अगर आप ऐप में कोई आपका प्राइवेट मान लीजिए ऐप है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, पहले ओपन करेंगे तो आपको लॉक मांगेगा, तो लॉक आपको क्रिएट कर देनी है, फिंगरप्रिंट भी डाल दें। जैसे मैं व्हाट्सएप में लॉक चाहता हूँ लगाना, तो मैंने इस तरह से लगा के आपको छोड़ देनी है। जैसे मैं एमएक्स प्लान में भी लॉक चाहता हूँ और इस तरह से मैंने चाहा, और यार मैं व्हाट्सएप में मैंने व्हाट्सएप में भी लॉक लगाया था, तो ये देख सकते हैं मैंने व्हाट्सएप को खोला तो ये व्हाट्सएप में लॉक लगा हुआ है। तो इस तरह से मतलब कि जिसमें लॉक लगा रहेगा वो आपका नहीं खुलेगा। तो ये सब काफ़ी मस्त ट्रिक थी सोमी की, ये पोको F1 की। मैंने आपको कोशिश किया कम से कम टाइम में अच्छी तरीके से मैं आपको बता दूं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं यार आपको बता दूं, ये जो आपका पोको F1 है, अगर आप इसे चाहते हो टीवी में चलाना, तो आप टीवी में चला सकते हो वायरलेसली। वो कैसे, तो यार यहाँ पे देखो मोर है, मोर में जाने के बाद ये वायरलेस डिस्प्ले है। इसे आप जैसे ऑन कर दोगे तो आपका जो LED टीवी या फिर जो टीवी रहेगा वो वायरलेस जो रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो उसके बाद जो अपने फोन को टीवी में प्ले कर सकते हो। इसका मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना भाई। और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर दोगे बहुत सारे यूजर के साथ, तो बहुत लोगों की हेल्प हो जाएगी। बस यार आपका इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो, मोबाइल के टिप्स ट्रिक, मोबाइल अपडेटिंग, सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग, मोबाइल को कैसे अपडेट करना है, मैं इन सब टाइप की वीडियोस में बनाता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, जुड़े रहो, शेयर कर देना।